सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल लिटिल डिज़ायर को और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज की हमारी रेसिपी है ये कढ़ी पकौड़ा, तो आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ये राजधानी बेसन, इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है इसीलिए मैंने ये वाला बेसन लिया है। आप कोई भी बेसन नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं बट इससे थोड़ा टेस्टी बनता है। और यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन। ये सबसे पहले मैं यहाँ पकौड़ी की तैयारी करूँगी क्योंकि इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद मैं अपनी कढ़ी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया है और 1/2 कप पानी। इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करते हुए मैं एक इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाऊंगी। इसको ना फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट फेंटने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आपकी जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट बनेंगी। अगर आप इसको टाइम इसको आपको आपको पूरा टाइम देना होगा, इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट देने होंगे। जब ये अच्छे से फिट जाए तो देखिए ये जो है वो ऐसा आपको दिखेगा, एकदम स्मूथ सा चिकना सा पेस्ट हो जाएगा और एकदम ही आपको पता चलेगा कि ये हाँ पकौड़ियाँ बनने के लिए तैयार है। तो मैंने इसको फेंट लिया है, अब मैं इसकी पकौड़ियाँ बनाऊंगी। मैं इसमें इससे पहले डालूंगी ये कटी हुई प्याज, बारीक छोटी छोटी मैंने प्याज काटी हुई है और छोटे छोटे आलू के पीस काटे हुए हैं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची, धनिया ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं, इससे आपकी पकौड़ियाँ जो हैं वो टेस्टी बनती हैं। मैं ये सब ऐड करूँगी इसमें, और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च सॉरी। ये देखिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको एक अच्छा सा मिक्स दूंगी और मैं इसी की पकौड़ियाँ बनाऊंगी। आप देख लीजिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल लिया है और मैंने यहाँ ये सरसों का तेल यूज़ किया है, इससे जो कढ़ी बनती है उसमें अलग ही थोड़ा टेस्ट आता है रिफाइंड की कंपैरेटिव। तो मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है और मैं अपनी पकौड़ियाँ धीरे धीरे करके सेक लूँगी। ये पकौड़ियों को जो है आप एकदम स्लो फ्लेम पे सेकें, अगर अदरवाइज़ ये अंदर से जो है कच्ची रह जाती हैं। एकदम आप ब्राउन होने तक इसको भूनें, गोल्डन ब्राउन आपको दिखने लगेगी। देखिए ये मैंने तैयार कर ली हैं, तो देखिए मेरी कितनी अच्छी सी की हैं। स्लो मीडियम फ्लेम पे अगर आप बनाएंगे इनको तो ये अच्छी बनेगी, और देखिए कितनी बड़ी बड़ी बनी है ये। और अब मैं यहाँ कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है लगभग 1 लीटर छाछ, मेरे पास ये छाछ था। अगर आपके पास दही है तो आप दही को फेंट लें और उसमें पानी डाल लें थोड़ा सा, एक पतला सा स्मूथ सा पेस्ट बना लें दही का, छाछ मट्ठे की तरीके से। और मैंने इसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच बेसन, ये देखिए इस तरीके से, और इसको अच्छे से मिलाना है। इसमें ना कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, जो बेसन जब आप घोलते हैं तो इसमें गांठ पड़ जाती है। और मैंने यहीं पे थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी ऐड कर लिया है इसमें, बहुत थोड़ा सा, इसको कलर देने के लिए अच्छा सा। तो देखिए मैंने इसको मिला लिया है, आप देखिए इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं है, आप इसको थोड़ा अच्छे से मिलाइएगा। बस अब कढ़ी की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ मैंने जो पकौड़ियाँ सेकी थी उसी कढ़ाई में से एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया है, और अब मैंने उसमें डाला 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई और 1/2 छोटा चम्मच मेथी, मेथी का दाना है ये। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये फ्रेश कढ़ी पत्ता, कढ़ी पत्ते से बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में, आप ज़रूर ऐड करें। ये देखिए मैंने इसमें ऐड किया है ये कढ़ी पत्ता, और मैंने इसमें ये लंबी लंबी प्याज काट करके डाली है। इसमें चॉप जो अनियन होती है वो इतना टेस्ट नहीं आता, इसमें आप ऐसे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ा खाने में दिखती भी है चॉप अनियन, इसमें पता भी नहीं चलती है, इसलिए ये मुझे मैं इस तरीके से इसमें डालती हूँ। ये देखिए मैं इसको भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी, हल्का सा फ्राई किया, और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। आप ध्यान रखें हमने पकौड़ियों में भी थोड़ा सा मिर्च डाला था और नमक भी ऐड किया था, तो उसको देख कर ही आप इसमें ऐड करिएगा।
मैंने यहाँ थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है, हल्का सा इसको फ्राई किया है। अब मैं इसमें जो मैंने मट्ठे का और जो बेसन का जो छाछ बेसन मिला करके पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको कढ़ी को छोड़ना नहीं है, हमेशा चलाते रहना है, अदरवाइज़ कढ़ी ना ख़राब होने लगती है। मतलब जब तक इसमें एक बॉयल ना आए जब तक आप इसको चलाते रहिए, आपको इसको चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप तेज़ फ्लेम पे आप इसको चलाइए जब तक इसमें बॉयल ना आए। देखिए इसमें बॉयल आ गया है और इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी और ऐड की थी, मुझे इसका कलर थोड़ा सा हल्का लग रहा था, लाइट लग रहा था, तो मैंने थोड़ा कलर देने के लिए इसको थोड़ी हल्दी और ऐड की। और अब मैं इसको चला रही हूँ, जब तक मैं चलाऊँगी जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आएगा। देखिए ये इसमें एक बॉयल आ चुका है और देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। वैसे तो ये बन के रेडी हो गई है, बट फिर भी थोड़ा सा और टेस्ट लाने के लिए हम इसको थोड़ा और उबालेंगे। कढ़ी को जितना भी आप उबालेंगे ये उतनी टेस्टी बनेगी। अब मैंने जो इसमें पकौड़ियाँ बनाई थी एक बॉयल आने के बाद वो इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब तक कढ़ी बनेगी जब तक ये पकौड़ियाँ और सॉफ्ट हो जाएंगी इसमें ऐड होने के बाद। देखिए कढ़ी एक मिलाने के बाद एक अच्छा सा मिक्स, और कढ़ी में कुछ भी मसाला पता नहीं चलता है जब आप बनाते हैं। तो मैं इसमें ऊपर से एक तड़का लगाऊंगी। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में लिया है थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जीरा, और ये चॉप बारीक करके मैंने इसमें डाला है अनियन, सॉरी गार्लिक, और मैं यहाँ ये लाल मिर्ची है इसको मैंने तोड़ करके डाल लिया है इसमें। ये देखिए इसको अच्छे से, ये जो गार्लिक है ना ये अच्छे से आपको इसमें फ्राई करना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा ये आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये होममेड है फ्रेंड्स। और अब मैं ये देखिए कढ़ी पूरी तरीके से बनके तैयार है। मैंने यहाँ गैस को ऑफ कर दिया है और मैं इसको ऊपर से एक अच्छा सा कलर और टेस्ट देने के लिए इसको ऊपर से मिलाऊंगी। ये देखिए, और अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसमें आप थोड़ी सी कसूरी मेथी और ऐड कर सकते हैं ऊपर से, बहुत अच्छा टेस्ट देती है और बहुत अच्छा स्मेल भी आता है, एक अच्छी सी देती है कढ़ी को। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली